सो गाइस, लास्ट सीन में हमने देखा गुनाल सरदार और एलन गोया ने मिलके सुगए खातून की जान बचाई एंड उनको कबीले वापस अभी लेके जाएंगे वो लोग। एलन गोया पता नहीं अलग ही उसमें शक्ति, अलग ही दिमाग, मतलब वो अलग ही बातें कर रही ना भाई। अच्छी बोला मंगोल है ये, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, अलग ही प्यारी प्यारी बातें कर रही ना भाई। उसको समझा रही सुगए खातून को, तुम्हें क्यों जाना चाहिए, तुम माँ हो, उस्मान है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, ये वो। मस्त भाई बड़ा प्यार भाई, से बोल रही ना भाई, बड़ी तगड़ी एक्टर है। अगर ये तगड़ी एक्टिंग कर रही है तो एक्टर है वो, बाकी अभी आगे पता नहीं क्या हाँ होगा। भाई नुयान पे तो प्यार आ रहा है कसम से, वो बड़ा क्यूट सा लग रहा है मेरे को, भाई बड़ा नोटी नोटी नहीं होता बच्चे से, नोटी से एकदम शैतानी शैतानी बच्चे, बड़ा क्यूट लग रहा है और बड़ा मजा आ रहा है उसको देख के भी। और जैसे वो लड़ाइयाँ करता है ना सबके साथ, और ये बोलता है जिस वे में बोलता है, और जो जो बातें करता है जिस हाँ वे में, भाई ऐसे ऐसे करता है, ऐसा बड़े सही एक्शन है भाई उसके। फिर उसके बाद अभी अर्तुल भाई के साथ उदाई खान के महल में जो भी है, जाओ जो भी खेमा विमा जो भी रहेगा, किला किला जो भी रहेगा उसके, उधर जाएंगे तो देखते हैं अभी क्या है कैसा होगा उदाई खान। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम, आज हम आपके लिए वालेकुम। लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश, बट रिलीज अर्तुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 84। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एपिसोड होने वाला है, स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स लेट्स स्टार्ट स्टार्ट अ अ वीडियो। वीडियो। अर्तुल भाई नमाज पढ़ रहे हैं सर, आई एम की तरफ काहे देख रही है। हाँ ना, घूरे जा रहा, घूरे जा रहा। देखे हैं उसके उनमें बंदों से को तो मतलब देख के हंसी आती है मेरे को, बड़ी अगर हंसी आती है। उससे भी निपट लेंगे। क्या तुम्हें याद नहीं है नोया कि तुमने हमारे हिचकर करते हुए कबीले पर हमला किया था और हमारे कितने लोगों को जान से मार दिया था, जिसके बाद भी हम अपनी तलवारें तुम्हारे
आ रही है ना सुबह उठा तो फाइनली शी इज बैक। माशा ये अच्छी है कि खराब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। राहुल मिला बेटी। क्या बात है बेटी, उर्मिला बेटी, बट वो नोयान की बहन है। हाँ सीधी नहीं हो सकती वो। उल्टी है। क्या हुआ अगर इनके प्यार से ये चेंज हो गए? है तो इंसान ना, क्या बोलते उठाने का।
रोको इसको, जान लेगा नोया की भारत और गुड भाई। खेल रहे हैं। कि बैग में क्या है मुझे ये जानना है। आवाज़ें कैसे आई? ये बात बिल्कुल सही है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर पलने वाला ईगो, एटीट्यूड और वो गुस्सा, इसको ख़त्म कर लिया ना तुमने जिंदगी जीत ली भाई, दुनिया जीत ली, कोई दुश्मन नहीं तुम्हारा, फिर कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता तुम्हारा। तफ्तीश के दौरान मुझे
सही बात है। कबीले और ताजरों की तहकीकात मेरी जिम्मेदारी है, आप इत्मीनान रखिए। बहुत शुक्रिया दोस्ता, शिफा के लिए भी शुक्रिया। शिफा सिर्फ अल्लाह ही देता है गुनाह साहब। सही सलामत रहिए। तो ब्यूटीफुल है ना भाई, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा। कितना अजीब लग रहा है ना। मंगोल ये कहीं दूर आए हैं शायद, है ना, पहली बार ऐसा। पहली बार देखा है। कितना खुश हो रहे हैं सब देख के, पता नहीं कहाँ पे आ गए। ये आए कहाँ पे, मर गए, ये नहीं समझ आ रहा। पहली बार ऐसा दिखा। हाँ अल्लाह की कुदरत, बहुत बहुत बहुत। देखो तो हमारे पास कितनी अजीब नेमतें हैं। बहुत अजीम नेमतें भाई, बहुत। पहली बार कोई समंदर देखा है ना डरले सेल्टर में, पहली बार, फर्स्ट टाइम। अरे टेंगरी कौन है? टेंगरी ने खान के लिए बनाई है। बंसी वाला ध्यान ही नहीं देता। समंदर से सफर होगा, रापा बोट में भाई। हमें दिखाओ कश्तियां कैसी होती थी पुराने जमाने में। कश्ती आएगी, कश्ती डुबकियां लगाते लगाते जाएंगे, डुबकियां लगाते लगाते मजा आएगा। ये देखो नयान स्विमिंग करना आता है कि नहीं आता है भाई तेरे को? पानी में धक्का विक्का दे दिया अगर किसी ने तो आ वासियां ले रहा।
वो उसके दो पिल्ले उधर ही खड़े हैं। कोई तो बात है ऐसी, कुछ तो रहेगा ना जो टेंगरी टेंगरी करते रहता बस टेंगरी टेंगरी। कुश्ती आ गई। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और ये भाई पहली बार दिखा रहे। कौन लेके आया? ड्राइवर। ड्राइवर ड्राइवर होगा साथ में। तो चक्की चला दिया रहा। चक्की वही मुर्गा। छोटे छोटे मुर्गे थे वो, पता नहीं क्या था। पहले के जमाने बिना मसाले के खाते होंगे ना भून के। ये क्या कर रहे है? सलजुकी सिपाही हैं ये, या तो फिर ये गुनाब सरदार के बंदे होंगे। हो सकता है। कब बार भी क्यों चल रहा है? यहाँ सांप और बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती हैं। अपने तौर पर एहतियात करना हमारे लिए जरूरी है। कान और सिपा साला, ताकि जिस्म का खून रवा दबा रहे। अपने जिस्म में खून को रवा रखो, इसलिए कि जिस पर ठुन तुम्हें जीवे तो फौरन ना मर जाओ। आ गई। ये कौन है? ये खिसियानी बिल्लियों की तरह काहे आ रहे हैं बच्चे? ये मतलब ये तो बोला उदाई खान के इधर कुछ परिंदा पर नहीं मारता है, क्या चल रहा है इधर? ए भाई।
नोयान को मार, नोयान नोयान को मारने आए। कुछ तो है वो थैले में। हाँ दोनों साइड से पता नहीं क्या हो रहा है। भाई स्टंट करते हैं ना, स्टंट करते हैं, स्टंट बाज है तो लोग सारे सारे के सारे स्टंट बाज हैं। अरे बंदे भी तगड़े हैं। अरे यार एक तो इसके पास तीर होता है, ये छोड़ता नहीं किसी को। तीनों गए, लूटो अभी सामान इनका। मिल गया मेरे को भी दिखाओ। अरे मुझे भी बताओ। सारे सिपाही मर चुके हैं, अब हमें क्या करना है? इन सिपाहियों के कपड़े ले लो और लाशों को किसी कोने में गाड़ दो। इस वक्त तो गालन गोया तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो क्या था वो मकतूब में, मुझे भी बता दे। ऐसा मत करो प्लीज। ऊपर वो जो बैग है अर्थुल भाई के पास, वो भी मुझे जानना है क्या है उसमें। खलास खटाक खटाक। पेट कटवाओ, आ जाओ तू भी कटवा, सब अपने पेट कटवाते। आओ बेटे हाथ लगा के दिखाओ उसको तुम लोग। बंसी भाई ने एक ही तलवार निकाली थी अभी बेटे। दोनों भाई मिलके मार रहे हैं। जुड़वा भाई क्यों मारने आए, क्या चल रहा है, क्या चाहते क्या ये लोग। कुछ तो लफड़ा है भाई, कुछ तो है। सब तो मर गए।
वो भी वहाँ पे जाके पता चलेगा बेवकूफ, हमें खुद जाना है। हमें भी जानना है यार, बताओ जल्दी। बमसी चिढ़ाता है उसको। खान के बाद आग जाएंगे तो मजा आएगी ना, क्या सीन होगा। रिएक्शन ऑन ड्रिलिस एर्टुरल सीजन 4 एपिसोड नंबर 84 बहुत बेहतरीन था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाला सीन है क्या होने वाला है, क्योंकि उदय खान के औदाक में जाएंगे हम, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले शबा के, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।